शादी समारोह एक अच्छी पहल है, एक अनोखा पहल है और बहुजन सांस्कृतिक बदलाव है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पे सारे बहुजन महापुरुषों को जो है सजोने का प्रयास किया गया इस गैलरी में। तो इस वक्त मौजूद हैं हम दिनकरपुर झलौआ लखनऊ में, जहां पर एक शादी समारोह का आयोजन किया। आप हमारे सामने तस्वीरें देखेंगे तथागत बुद्ध और बाबा साहब की, और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी जो कि बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे, ऐसी तस्वीर आप देखते होंगे कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो या कोई राजनीतिक, वहां पर आपको अक्सर देखने को मिलेगा जहां पर बाबा साहब की तस्वीरें मिलेंगी, तथागत बुद्ध की और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की तस्वीरें मिलेंगी। लेकिन एक ऐसा ये जो शादी समारोह एक अच्छी पहल है, एक अनोखा पहल है और बहुजन समाज की जो सांस्कृतिक बदलाव है, आप इन तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पे सारे बहुजन महापुरुषों को जो है सजोने का प्रयास किया गया इस गैलरी में। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को जो है लगाने का प्रयास किया गया, एक अनोखा पहल है आदरणीय महेश जी और सुखलाल जी के द्वारा, जो कि इनको प्रेरणा मिली आपके पिता परिनिर्वाण प्राप्त जगन्नाथ बौद्ध जी से, जो कि वो परिनिर्वाण प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन आप उनसे प्रेरणा लेकर आपने बहुत अच्छी पहल की। जब आप अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो सभी बहुजन महापुरुषों को गैलरी में सजाने का प्रयास किया और समाज में एक अच्छा संदेश दिया। हमारे सामने आप देखेंगे समता सैनिक दल के पीपी सिंह अशोक बौद्ध जी, जो कि चीफ जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हैं, साथ में गोविंद पाल जी जो कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, और साथ में उपस्थित आदरणीय अमित सिंह जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, साथ में सुखलाल भैया जी आप देखेंगे, साथ में महेश जी जो कि बिटिया के पिताजी हैं, जो रोशनी बिटिया की शादी होनी है उनके पिताजी हैं, आदरणीय कमलकन बौद्ध जी जो कि अध्यक्ष हैं आप यहाँ की जो समिति बनी हुई है, साथ में शिवराज सर जी हैं और साथ में और भी गणमान्य लोग उपस्थित आप इन तस्वीरों में देखेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जहाँ हम लोग एक जब सामाजिक संगठन की मीटिंग हुआ करती थी या किसी पार्टी की मीटिंग, खासकर बहुजन समाज पार्टी की जब मीटिंग होती थी, वहाँ पर आप तस्वीरें देखने को मिलता था मानवर साहब की, बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, लेकिन अब बहुजन समाज के लोग अपने इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं और जो सांस्कृतिक बदलाव चाहिए था वो हो रहा है। बस कमी है कि हम बहुजन समाज के जो बहुजन महापुरुषों के जो आदर्श हैं, जो उनके दिए गए विचार हैं, जो दिन के गए वक्तव्य हैं, उनको अपने जीवन में अंगीकार करें, पालन करें, जो आदेश बाबा साहब ने दिया था उनका पालन करें, तब सही मायने में हम उनके रास्ते पर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देखते होंगे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो वहाँ पे तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुजनों के बदलते संस्कार आप देखेंगे कि अब शादी समारोह में भी सभी लोग अपने तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये देखिए सामने बिरंगना झलकारी बाई जी का तस्वीर देखेंगे, गैलरी में लगा हुआ है। इधर त्याग मूर्ति माता रमाबाई का तस्वीर देखेंगे, आगे ऐसे ही बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलेंगी शादी समारोह में। आपको मैं बता दूं कि ये बहुजन समाज की एक अच्छी पहल है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। ये देख के पेरियार रामास्वामी नायकर जी का तस्वीर, जो कि मनुवाद अंधविश्वास के प्रखर विरोधी थे, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। ये देखिए आगे की तरफ मूव करेंगे, सामने देखेंगे रास्ता ज्योतिराव फूले, ये देखिए तस्वीरें, ये गैलरी में लगी सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। माता दीन हेला जी की तस्वीरें आप इन तस्वीरों में देखेंगे। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, आपको एक एक तस्वीरें मिलेंगी यहाँ इस कार्यक्रम में। ये देखिए कर्पूरी ठाकुर जी का, जो भी बहुजन महानायक जिन्होंने संघर्ष किया बहुजन समाज के लिए, उनकी तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सावित्रीबाई फूले जी की तस्वीरें आप देखेंगे, आप ऐसी ही एक एक तस्वीरें आपको साझा करेंगे। देखते रहिए, देखिए सामने ये गैलरी है, गैलरी में सारे बहुजन महापुरुषों को सजोया गया है। ये देखिए बिरसा मुंडा जी का तस्वीर आप देखेंगे, आगे बढ़ें ये महान सम्राट अशोक जी का तस्वीर आप इन तस्वीरों में देखेंगे। ये देखिए गैलरी में सजा हुआ बहुजन समाज को जो है सत्ता की अलग जगाने वाले मानवर श्री काशीराम जी की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारी जो तस्वीरें हैं, ये देखिए महाराजा बिजली पासी जी की तस्वीरें, आप इनसे ये देखने को मिल रहा है, इनसे हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अपने आइकान को, अपने महामानों को, अपने महापुरुषों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसलिए अब शादी समारोह में भी अब लोग जो है बाबा साहब को शामिल कर रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीरें लगा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। इधर फातिमा शेख,
जो माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ में जिन्होंने स्कूली शिक्षा के में सहयोग किया अपना, और उनकी तस्वीरें आप देखने को मिलेगा यहाँ पे। सभी बहुजन महापुरुष जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम किया, संघर्ष किया, उनको देखने को मिलेगा। ये देखिए सामने भारतीय संविधान, ये बहुत ही ऐतिहासिक पहल है। इस जो भी गार्जियन है, आदरणीय महेश जी हैं, छल जी हैं, सुखलाल जी हैं, और उनकी जो पूरी परिवार है, बहुत अच्छा पहल है भारतीय संविधान। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान से बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार मिला, मान सम्मान मिला। ये देखिए शादी में तस्वीरें देखने को मिलेगी, आप इन तस्वीरों में देखिए संविधान का पूरा प्रियम्बल है, आप देखते रहिए। आगे और भी तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीरें आपसे साझा करेंगे। उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह यादव जी की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और आगे चलेंगे तो बाबू जगदेव प्रसाद जी की तस्वीरें ये देखिए, और इधर देखिए पूरा कार्यक्रम चल रहा है शादी का, और पूरा फंक्शन चल रहा है। सांस्कृतिक बदलाव इसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बहुत कम लोग ऐसा साझा करते हैं। तो कहते हैं यदि सामाजिक है, कार्यक्रम है, तभी वहाँ पर साझा किया जाए, लेकिन सांस्कृतिक बदलाव इसको कह सकते हैं। ये सामने की तस्वीरें देखेंगे कि इधर पूरा फंक्शन चल रहा है, इधर सभी लोग उपस्थित हैं, और ये देखिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अब लोग सामाजिक संगोष्ठियाँ के साथ साथ जब बहुजन समाज के जो शादी समारोह हैं या ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें यदि तस्वीरें लग रही हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये देखिए सामने संत शिरोड़ी रविदास जी का तस्वीर, और आगे ऐसे ही आपको देखिए सामने स्टेज बना हुआ है, स्टेज पे भी तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीरें आपको मिलेंगी, और ये देखिए कबीर जी की। लेकिन साथ में ये भी कहना है कि हमें बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों तक सीमित नहीं रहना है, हमें उनके विचारधारा को, उनके विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करना है, तभी बदलाव होगा। ये सामने की स्टेज देखेंगे, स्टेज पे तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीरें, पूज्य भंते जी उपस्थित हैं। सामने देखिए स्टेज, पीछे तथागत बुद्ध की तस्वीरें आप देख सकेंगे इन तस्वीरों में। ये देखिए ये पूरे स्टेज है, पूज्य भंते जी उपस्थित हैं, और ये इधर देखिए तस्वीरें यहाँ की, सामने की देखेंगे सभी लोग यहाँ पे हैं। ये सामने का तस्वीरें हैं, और इधर बहुजन आइकन उपस्थित हैं, यहाँ पे जयमाला होना है, पूज्य भंते जी उपस्थित हो चुके हैं यहाँ पे, और ये देखिए पूरा मंडप तैयार है आगे के कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। सामने की में हाथ जोड़ी जी, हाथ जोड़ी।
देखिएगा। नीचे गिरा दे वैसे बाबा। ठीक है ठीक है दादा, दादा गिरवाओ ना वैसे, बढ़िया टंग रहा। बड़ा फोटो बुद्धन शरण गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, यानी ज्ञान की शरण। Thank you.
जाओ। ये बोलेंगे तब तो बच्ची की आंखें तक मार रहे हो। अब हम करेंगे सवाल। मारे गुस्सन मरते हैं देखो पहले मारे गुस्सन मरते सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब